इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाजरीन, इत्तेहाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज बात करते हैं कि क्यों मुल्क और कौम को सही लीडर नहीं मिलते, और चंद वजूहात पर बात करते हैं जिनकी वजह से सही लीडरशिप का फुकदान है। अक्सर अवाम में ये मौजू ज़ेर बहस रहता है कि देश और कौम में सही लीडरशिप नहीं है जो हकीकत में सही लीडरशिप का हक अदा कर सके। इन बहस और चर्चा करने वालों में नुक्कड़ पर बैठने वाले लोगों से लेकर यूनिवर्सिटियों के फारिग लोग भी होते हैं, लेकिन अफसोस, बहस और चर्चा तो बहुत होती है लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं होता। देखा जाए तो सही लीडरशिप न होने की असल वजह भी आम अवाम ही होती है, जिनकी वजह से गलत लोग मनसब पर बैठे हुए हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल लीडरशिप चुनने का जो नज़रिया या क्राइटेरिया है वो बिल्कुल गलत है। अक्सर अवाम लीडर में अमीरी या दबंगरी देखते हैं और इनके सामने अखलाक और किरदार कोई मायने नहीं रखता। कोई लीडर कितना भी बद अखलाक और बद किरदार क्यों ना हो, अगर दौलत हो तो सब कुछ माफ। अगर गलत किस्म के लोग मनसब या इक्तदार पर पहुंचेंगे तो अवाम के भलाई के काम कैसे होंगे। समाज में एक और अलमिया या परेशानी ये भी है कि कोई सही शख्स अगर खुलूस नीयत के साथ अवाम की और देश की भलाई के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, पर उस शख्स के साथ अवाम का रवैया बिल्कुल सर्द और ठंडा रहता है और अवाम का साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हद तो ये भी होती है कि इस शख्स की टांग खींचने में सबसे ज़्यादा हाथ तो कौम के सो कॉल्ड दानिश्वरों का होता है। ये लोग तो उस शख्स को बदनाम करने में हदें पार कर देते हैं। ऐसी ऐसी गलत बातें और इल्ज़ामात उस शख्स के साथ घड़ी और जोड़ी जाती हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस टैलेंट के साथ सही शख्स कुछ अच्छा करना चाहता है, इन टांग खींचने वालों की शरारत की वजह से इस शख्स का टैलेंट लायबिलिटी या कहिए बोझ बन जाता है। होना तो ये चाहिए था कि कौम व मिल्लत की भलाई के लिए उस टैलेंट को इस्तेमाल किया जाता। अच्छा, ये लोग जो टांग खींचने वाले और बुराई करने वाले होते हैं, ये खुद तो कुछ करते नहीं लेकिन कुछ अच्छा करने वालों को रुकावटें पैदा करने में पूरा जोर और ताकत लगा देते हैं। इतना जोर और ताकत कुछ खैर के कुछ अच्छे कामों में लगाएं तो अवाम का भी भला होता और अपनी आखिरत के लिए भी कुछ फायदा होता। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी तकरीरों और बयानों में अखलाक, किरदार, अवाम की भलाई की बातें, सही लीडरशिप की ज़रूरत की बातें वगैरह वगैरह होती हैं, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली इनका किरदार एक जाहिल, अनपढ़ सभी बेकार होता है। इन जैसे समाज के नासुरों की वजह से एक सही शख्स समाज की भलाई के लिए काम करने वाला थक कर बैठ जाता है, और इसकी वजह से जो खैर के काम होने वाले थे, इसकी रुकावट का सबब समाज के वो नासूर होते हैं जिन्होंने टांग खींचने का काम किया। जिस तरह से आज देश और दुनिया में हालात तो रूनुमा हो रहे हैं, चाहिए कि हर कोई अपना समाज को बनाने में योगदान दे। चाहिए कि समाज में से टैलेंट को ढूंढ ढूंढ कर निकाले और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। किसी की बुराई ढूंढने से अच्छा है कि उसकी अच्छाई को इस्तेमाल करें। ऐसा करेंगे तो यकीनन समाज के लिए भी अच्छा होगा और खुदा की नज़र में भी
मुकाम बढ़ेगा। मुल्क को कौम के लिए अच्छे रहनुमा और लीडर्स की बहुत ज़रूरत है और टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि टैलेंट को पहचान कर और खलूस नीयत के साथ उस टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए। अब सिर्फ बयान और बातें ही नहीं बल्कि कड़े इकदाम की ज़रूरत है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। फिर एक बार किसी और एक उन्वान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए इत्तेहाद न्यूज़ देखते रहिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।